गुशामेल के बीजेपी रुकने संभाली राजा सिंह ने सेक्रेटरियट की नई इमारत के डिजाइन को लेकर जहर अफशानी की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो डिजाइन बनाया है उससे सरकारी इमारत मस्जिद या फिर हज हाउस नजर आ रही है। राजा सिंह ने कहा कि आखिर तेलंगाना के आठवें निजाम से और भी क्या तवक्को रखी जा सकती है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि राजा सिंह सीपीसी के चंद्रशेखर राव को तंजिया तौर पर आठवें निजाम से मुखातिब करते हैं। अभी तेलंगाना का सेक्रेटरियट डिमोलिश कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। वो सेक्रेटरियट का अगर हम प्लान देखेंगे तो सेक्रेटरियट कम, मस्जिद ज्यादा दिख रही, हज हाउस टाइप ज्यादा दिख रहा। उत्तर प्रदेश का हज हाउस है वो अखिलेश सरकार समय पर बना था, वो प्लान आप देख सकते हैं, वहां के हज हाउस का प्लान और ये प्लान देख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आठवां निजाम कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, जो निजाम, जैसे आपका जो सोच है कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं कुछ ना कुछ मेरे नाम का छोड़ जाऊंगा, तो इसलिए आप जो अच्छा सेक्रेटरियट है जो और 50 साल चल सकता था वो सेक्रेटरियट को आप डिमोलिश करके कई सौ यानी 600-700 करोड़ रुपए वहां पर आप लगा दे रहे। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से कई लोग मर रहे, उनके विषय में आप कोई विचार नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से पूरा तेलंगाना में हाहाकार है, दूसरी तरफ नया सेक्रेटरियट के लिए आज डिमोलिश कार्यक्रम आप स्टार्ट करें। और सेक्रेटरियट का प्लान इस प्रकार से आया, वो सेक्रेटरियट कम, मस्जिद और हज जो ज्यादा दिख रहा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो जो पैसा है आपके बाप का नहीं, वो तेलंगाना की जनता का पैसा है, तेलंगाना की जनता की पैसे से वो सेक्रेटरियट बन रहा है। ये मुख्यमंत्री जी आप ध्यान रखिए, ना हिंदू ना मुसलमान वहां सेक्रेटरियट बने, उसका मॉडल भी इस प्रकार से हो कि तेलंगाना की जनता की भावना जुड़ सके, इस प्रकार से वहां प्लान हो। आपके दृष्टि में वो प्लान आया है नहीं आया पता नहीं, लेकिन आप प्लान देखिए, वो सेक्रेटरियट कम, हज हाउस और मस्जिद ज्यादा, इस प्रकार से वो प्लान दिख रहा है मुझे।